welcome to lecture number 2 on manufacturing today we will discuss about basics of casting again in this lecture so this is the topic for today hello welcome to my channel mactech be educated be a good achiever this is the lecture what we have studied in lecture number 1 okay जब आप एक आइस क्यूब को आ, बनाने की कोशिश करते हो फ्रिज में तो आप क्या करते हो आप आइस ट्राइज में आइस के जो आइस क्यूब्स की जो ट्राई होती है उसमें पानी डालते हो और फिर तो जब वो फ्रीज हो जाता है ठीक है ना तो आपको वही शेप मिलती है जो आइस क्यूब्स की शेप हो ठीक है अगर आप गिलास में पानी डालोगे तो गिलास में पानी डाल के फ्रीजर में रखोगे तो आपको आइस की शेप गिलास की, की ही तरह मिलेगी है ना तो इसी तरह से हम पहले पैटर्न बनाते हैं पैटर्न को फिर हम मोल्डिंग बॉक्स में रखते हैं फिर पैटर्न को बाहर निकाल देते हैं जो वहाँ पे प्रिंट हमें मिलती है मोल्डिंग सैंड के अंदर ठीक है तो वो उसमें फिर हम मोल्टन मेटल डाल के फिर अपना जो डिज़ायर्ड शेप हमें चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है लेकिन वो शेप पहले मोल्डिंग कैविटी बनाने में जो शेप हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं पैटर्न ठीक है वो पैटर्न की ही मदद से बनती है लेकिन कुछ अलाउंसस के साथ अलाउंसस क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ठीक है तो देखते हैं रेप्लिका विद सम मॉडिफिकेशंस ये एक रेप्लिका होता है जो हमें चाहिए होता है उसी का एक रेप्लिका है उसी का एक डुप्लीकेट कॉपी है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ ठीक है वो मॉडिफिकेशन क्या होती है दे आर कॉल्ड अलाउंसस और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे ठीक तो

दिस uh, पैटर्न्स हो सकते हैं अगर हम वुड का यूज करेंगे तो वुड में क्या डिसएडवाटेज वुड में हमारा जो सरफेस फिनिश आएगा वो अच्छा नहीं आएगा एज कम्पेयर टू वैक्स एंड मेटल सबसे अच्छा सरफेस फिनिश हमें वैक्स में मिलेगा लेकिन वैक्स का ये डिसएडवांटेज है कि वो एक बार डालने से खत्म हो जाता है देन वी हैव टू मेक अदर है ना तो वुड में और हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ड्यू टू मॉइस्चर ड्यू टू मॉइस्चर इन द सैंड ये जल्दी खराब हो जाता है ठीक है ना लेकिन मेटल का पैटर्न जो है वो मेटल का पैटर्न काफ़ी देर तक चलता है जो हमारे स्टैचू बनाने में यूज़ आता है जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी का स्टैचू बनाते हैं छोटा सा तो हम मेटल पैटर्न्स का यूज करते हैं ठीक है वुड के पैटर्न्स बेसिकली वुड के पैटर्न्स जो होते हैं वो थोड़े से अगर हमें थोड़े से प्रोडक्ट्स बनाने हो तो उसके लिए कम्फर्टेबल होता है लेकिन अगर हमें लॉन्ग क्वान्टिटी में चाहिए बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए तो उस टाइम हम इस वुड पैटर्न का यूज़ नहीं करेंगे उस टाइम हम किस पैटर्न का यूज़ करेंगे उस टाइम हम मेटल के पैटर्न का यूज़ करेंगे और इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं इस पैटर्न में ठीक है देखिए पैटर्न की जो शेप है वो हमें थोड़ी सी अगर फॉर एग्जांपल मान लो हमने कुछ कास्ट करना है जिसकी मान लो बाहर की एक साइड की विड्थ हमें 10 सेंटीमीटर चाहिए लेकिन हम उसको पैटर्न में 10.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स बनाएंगे क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको पता है जैसे ही हम उसमें मेटल डालेंगे मोल्डन कैवि मोल्ड कैविटी में जैसे ही मेटल पहुंचेगा तो फर्स्टली तो वो फुल होगा ना पहले वो गेरा का गेरा फुल कर देगा उसमें लेकिन बाद में क्या होगा वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होने लगेगा ठीक है ना तो इसीलिए हम अलाउंसेस को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कोई बात नहीं यहाँ पे आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि अलाउंसेस हमें देने पड़ते हैं ठीक है इट्स प्लेसड इन द मोल्डिंग फ्लास्क ये तो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में भी कि हम पैटर्न को मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर रखते हैं फिर उसके ऊपर सैंड को रैम किया जाता है रैम करने के बाद ऑब्जेक्ट की कैविटी बन जाती है सैंड में ठीक है हम उसको निकाल देते हैं निकालते कैसे हैं ड्रा स्पाइक से निकालते हैं है? वो भी मैं आके आपको बताऊंगा ठीक है तो इसके बाद आता है पॉरिंग बेसन What is बेसन? ठीक तो फर्स्ट हम देखते हैं कैविटी है? होती है इसको हम बोलते हैं पोवरिंग बेसन देखिए कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखिए ये ऐसे होगा फनल शेप्ड कैविटी ठीक है ऐसे ठीक फिर ये नीचे की तरफ जाएगा गेटिंग सिस्टम के अंदर ही होगा ये ऐसे होगा और फिर ये आगे जाएगा ठीक है इसको हम बोलते हैं रनर इसको बोलते हैं पोरिंग बेसन यानी कि जहां से हम मोल्टेड मेटल को डालेंगे, ठीक है इसको बोला जाता है पोरिंग बेसन ठीक अब इस पोरिंग बेसन का काम क्या है इट्स अ फनल शेपड कैविटी टॉप ऑफ द मोल्ड मोल्ड के ऊपर यह जरूरी नहीं है कि एक ही रनर हमारे पास दो भी हो सकते हैं ऐसे भी हो सकते हैं रनर ठीक है फिर उसके आगे हमारा ऐसे ब्रांच में ऐसे ऐसे करके गेटिंग सिस्टम लगी डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड कैविटीज में भरा जाता है ठीक है तो ये भी हम आगे देखेंगे अच्छे से ठीक है अच्छा उसके बाद आता है हमारा रनर जो मैंने अभी आपको बोला रनर आप अगर इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो ये रहा हमारा रनर ठीक ये था हमारा पोरिंग बेसन जहां से हमने डाला था कप शेपड़ी ठीक

ठीक है, इट कनेक्ट स्प्रू ऑफ द गेटिंग सिस्टम टू गेटिंग सिस्टम ये जो हमारा स्प्रू है कहा गया अच्छा ये है इसको ये किसके साथ कनेक्ट करता है गेटिंग सिस्टम यहाँ पे गेटिंग सिस्टम है गेट मतलब जहां से मेटल एंटर होगा ठीक है किसमें पैटर्न से क्रिएट किया गया जो मोल्टन कैविटी होती है उसके अंदर जब मेटल मोल्टन मेटल जाएगा उसको हम बोलते हैं गेटिंग सिस्टम ठीक है अच्छा नॉर्मली सिचुएटेड एट द लोअर हाफ ऑफ द मोल्ड क्योंकि आपको पता है मोल्डिंग बॉक्स में दो बॉक्स होते हैं हमारे पास कोप एंड ड्रैग ज्यादातर जो ये रनर है ये लोअर वाले नॉर्मली ये लोअर वाले में ही ज्यादातर देखने को मिलता है ड्रैग में कहां पे ड्रैग में ठीक है तो नॉर्मली इट्स नॉट नेसेसरी बट नॉर्मली इट्स सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द मोल्ड ओके अब इसके बाद आता है राइजर इज राइजर राइजर इज यूज एज ए ऑफ ऑफ द मेटल मेटल रिजर्वाज स्टॉप देखो मैं आपको सिंपल सी एक डायग्राम बताऊंगा या आपने देखा यहाँ पे पुअरिंग बेसन था ठीक है यहां से हमने मान लो मोल्टन मेटल डाला ये ऐसे ऐसे गिरा फिर ये किससे नीचे आया फिर ये फनल शेपिटी स्प्रू से नीचे आता हुआ यहाँ पे एक स्किम बॉब लगा होता है जो इंप्योरिटीज को सेटल करता है इसको बोलते हैं स्किम बॉब एस के आई एम बी ओ बीओपी यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं यहाँ पे ये रनर से आता हुआ मान लो ये गेटिंग सिस्टम ए मोल्ड कैविटी में घुस अंदर चला गया ठीक है लेकिन यहाँ पे हमने लगाया होता है एक और हॉलो पाइप की तरह इसको हम बोलते हैं राइजर क्या बोलते हैं राइजर बेसिकली जब हम मेटल को पुअर कर रहे होते हैं अंदर जब जाता है जाता है जाता है इसके दो फायदे होते हैं जब इसने कैविटी को फिल कर दिया हमें कैसे पता चलेगा कि कैविटी अंदर फिल हो गई तो मोल्टन मेटल यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा तो हम, तो हम बोलेंगे कि, कि नहीं ये कैविटी फिल हो गई है कैविटी हमारी अंदर फिल हो गई है लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा ये मोल्टन मेटल जो है एक तो फंक्शन इसका किससे हमें पता चल जाता है कि मोल्टन मेटल अंदर अच्छे से फिल अप फिल अप हो गया है दूसरा प्रोसेस क्या होगा जब इसमें थोड़ा सा यहाँ तक मोल्टन मेटल रहेगा है ना इसके अंदर भी मोल्टन मेटल रहेगा आप थोड़ा सा जहा तक ये होगा बाद में क्या होता है बाद में इसमें आती है श्रिंकेज ये सुकड़ने लगता है जैसे ये सुकड़ने लगता है इसका साइज कम होने लगता है ठीक है और जैसे ही साइज कम होगा तो ये जो मोल्टेन मेटल है ये आहिस्ता-आहिस्ता इसकी जो साइज जो कम हुआ इसको अकोमोडेट करेगा और दोबारा से थोड़ा सा मेटल इसको देगा और ये अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएगा ठीक है ये इसका काम होता है ठीक तो ज्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज श्रिंकेज के बहुत सारे टाइप्स हैं हम अच्छे से कल के लेक्चर में देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का मतलब है साइज में कमी आ जाती है ठीक है टेक्स प्लेस द द डिजायर्ड शेप शेप एंड एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो उससे क्या होता है डिजायर जो हमें चाहिए होती है शेप शेप में तो ज्यादातर फर्क नहीं पड़ता साइज में फर्क पड़ता है साइज हमारा कम हो जाता है ठीक है और क्या होता है एक मिनट तो द राइजर इज प्रोवाइडेड इन द मेटल क्या करता है ये ये मैंने आपको बता दिया इसी से हमारा जो volumetric shrinkage है वो खत्म हो जाता है ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में द फंक्शन ऑफ द राइजर इज या वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज एकोम जो होता है वो किससे हमें रिमूव uh, करते हैं हम तो वो राइजर की मदद से रिमूव होता है ठीक है उसके बाद आती है मोल्ड कैविटी देखो मोल्ड कैविटी तो बिल्कुल आसान है मोल्ड कैविटी क्या होती है जब आपने यहाँ पे मोल्ड फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोप एंड ट्रैग है है ना फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोप को ले लेता हूँ मैं ठीक है आपने यहाँ पे पैटर्न रखा तो जब आपने इसके ऊपर रैमिंग वगैरह सैंड की की फिर आप इस पैटर्न को बाहर निकाल देते हो तो जो वहां पे जगह बन गई है ना जो जगह उस सैंड में बनी उसको हम बोलते हैं मोल्ड कैविटी जिसमें आप मोल्ड मेटल पुअर होगा देखो जब पैटर्न को हम रिमूव करते हैं पैटर्न को रिमूव करते हैं उसके बाद एक कैविटी की फॉर्मेशन होती है है ना इसी कैविटी को बोलते हैं हम मोल्ड ठीक ठीक है तो इसको बोला जाता है मोल्ड तो इंप्रेशन ऑफ द पैटर्न उस पैटर्न का जो इंप्रेशन रहा उसी को हम बोलते हैं मोल्ड ठीक है आप एक काम करो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्ले पकड़ी हुई हाथ में जो बुक सेलर वगैरह के पास जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स में क्ले वगैरह आती है या आप मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आ, वीट फ्लो टाइप कुछ लिया हुआ है आप उसमें जैसे जैसे उसको नीचे या फॉर एग्जांपल दो में तो तो स्नो में अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे आप चलते हो स्नो पे जब आप चलोगे जब आप चलोगे स्नो पे अगर वो थोड़ी हार्ड है स्नो अगर थोड़ी हार्ड है मतलब अगर उसमें पानी का कंटेंट थोड़ा कम है तो आप देखोगे आपके जो शूज़ है शूज़ का इंप्रेशन वहाँ पर पड़ जाएगा स्नो पे। तो वही इंप्रेशन एक तरह से हमारा पैटर्न का इंप्रेशन होता है और इसी पे अगर हम फॉर एग्जांपल मोल्टन जब ये फॉर एग्जांपल हमारे अपना पैटर्न जब हमने मोल्टन सैंड के अंदर रखा सॉरी जब हमारा ये पैटर्न जब हमने मोल्ड मोल्ड कैविटी के अंदर रखा जब फिर हम उसको निकालने की निकालते हैं ताकि हम लिक्विड मेटल को पूरा पोअर कर सकें तो जो वहां पर प्रिंट उसके अंदर बनी दैट कॉल्ड मोल्ड कैविटी मोल्ड कैविटी के ही अंदर हम अब लिक्विड को

कवर कवरअप करेंगे ऐसे ये वाला पार्ट हम कोप में प्रिंट करेंगे ये वाला पार्ट हम ड्रैग में प्रिंट करेंगे तो इस लाइन को बोला जाता है पार्टिंग लाइन ठीक है ये नेसेसरी नहीं होता कि ये पार्टिंग लाइन जो है ये सेंटर से ही पास करें ये जरूरी नहीं होता ठीक है फॉर एग्जाम्पल कभी हमें पैटर्न ऐसा चाहिए तो हम क्या करेंगे हम ऐसे करेंगे ये वाला पार्ट क्योंकि हमें सिमेट्रिकल टाइप लग रहा है ये हम कोप में करेंगे और ये वाला पार्ट हम ड्रैग में करेंगे ठीक है तो आप देख रहे हो इसको इसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया ठीक है तो यही नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका मीन इट टू इक्वल इक्वल पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड करना ये जरूरी नहीं है लेकिन जनरली ये इक्वल पार्ट्स में ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पैटर्न को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पैटर्न ठीक है मतलब पैटर्न को जब हम uh, कोशिश करते हैं कि वो एक एक हिस्सा उसका कोप में रखें और दूसरा हिस्सा इसका ड्रैग में रखें तो uh, तो जनरली वो इक्वल इक्वल होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इक्वल इक्वल ही रहे सब बना होता है सैंड को रैम किया जाता है इसके ऊपर पैटर्न वही होता है जो हमें चाहिए होता है जो हमें फाइनल शेप चाहिए होती है जो इंप्रेशन डालने के काम में आता है उसको हम पैटर्न कहते हैं रेप्लिका विद समिफिकेशन ओके अब आता है ड्रा स्पाइक ये क्या होता है देखो अब हमने पैटर्न तो सैंड में डाल दिया है है ना पैटर्न हमने अंदर डाल दिया मानो कोप 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 एंड ट्रैक में आपने पैटर्न को डाल दिया है ये आपका पैटर्न है आप इसके इर्द गिर्द क्या है इसके इर्द गिर्द आपकी सैंड है है ना ये सैंड है इसके इर्द गिर्द जो कि अच्छे से रैम की गई है ठीक है ना ये आपका पैटर्न है ये आपका पैटर्न है। ठीक है अब आप अपनी फिंगर से इसको थोड़ी निकालोगे जो फिंगर से निकालोगे तो इसकी एज टूट जाएंगी आप कुछ हार्ड मटेरियल भी इसके अंदर नहीं डाल सकते इसको निकालने के लिए ठीक है आप इसको निकालेंगे कैसे हम क्या करते हैं हम इनकी वजह से इनको बोलते हैं स्पाइक ये डालते हैं ठीक है ये इजीली पैटर्न में चला जाता है या इसको डालते हैं ये इजीली पैटर्न में चला जाता है ठीक है इनकी वद, मदद से हम इसको बाहर निकालते हैं लेकिन ये ये जो होंगे ये वुड पैटर्न में यूज होते हैं ज्यादातर ठीक है मेटेलिक पैटर्न में नहीं होते यूज ठीक है मेटेलिक पैटर्न में हम अलग तरीके से निकालते हैं इसको ठीक है तो इनको बोलते हैं हम ड्रास स्पाइक्स ड्रास स्पाइक्स किसके काम आते हैं पैटर्न को बाहर निकालने के लिए ताकि इर्द गिर्द की जो बाउंड्री है इर्द गिर्द में जो सैंड है हमारी जो रैम की गई है वो खराबी उसमें खराबी ना हो उसका शेप वैसे ही बने रहे शार्प पेजेस होते हैं कभी कभी वो वैसे ही बने रहे ठीक है, इट्स टैपर्ड स्टील रॉड हैविंग ए लूप लूप मतलब एक करवेचर जैसा ये जो ऊपर दिया गया है ठीक है दिस टाइप ऑफ कर्वेचर ये कर्वेचर ठीक है इसको लूप बोला जाता है एट द वन एंड एंड शार्प पॉइंट एट द अटर एंड और दूसरे साइड में शार्प पॉइंट होता है अगर वुड होगा तो वुड में हम स्क्रू भी कर सकते हैं इसको ताकि अच्छे से फिक्स हो हम ऐसे मोड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न के ऊपर और फिर बाहर निकाल देते हैं इससे पकड़ अच्छी बनती है उसकी ठीक है इट हैज अ स्क्रू थ्रेड एट द द अदर एंड टू एंगेज मेटल पैटर्न फॉर इट्स विड्रॉ फ्रॉम द मोल्ड यहाँ पे मेटल पैटर्न नहीं होगा यहाँ पे बेसिकली वुड पैटर्न के लिए इसको यूज किया जाता है ठीक है ठीक है ना तो इसकी कुछ स्क्रू थ्रेड्स भी होते हैं एट द एंड सो एज टू रिमूव इट ड्रा किया जाए इसको अच्छे से कहा से मोल्ड कैविटी से उसके बाद आता है स्प्रू एस पी आर यू स्प्रू ठीक है स्प्रू क्या होता है स्प्रू एक इससे क्या होता है एक, इससे हमारी जो फॉर एग्जाम्पल पोरिंग बेसन में जब आपने मेटल को डाला फिर नीचे जाके स्प्रू होता है ठीक है फिर यहाँ से फिर रनर को आके जाता है स्प्रू क्या करता है ये कंट्रोल करता है किसको मेटल के फ्लो को टर्बुलेंस नहीं आनी चाहिए देखो मेटल गैसेस को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए उसे क्या होगा गैसेस एंट्रैप होते हैं अंदर तो और कुछ इंप्यूरिटीज वगैरह भी अगर चली जाए तो वो भी उसके अंदर कुछ डिफेक्ट ला सकते हैं कास्टिंग के अंदर तो सबसे पहले जो हमारा स्प्रू पोअरिंग बेसन होता है पोरिंग बेसन में हमें छोटा सा ऐसे ऐसे करके जहाँ पे हम डालते हैं बेसिकली ऐसा होता है ऐसा ठीक है पूरे इंप्रेसन में हम डालते हैं थोड़ा सा फिर नीचे ये ऐसा होता है ऐसे ऐसे ऐसे

वजह से कास्टिंग में कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे ठीक है तो वर्टिकल पैसेज विच कनेक्ट्स पोरिंग बेसन टू द रनर पोरिंग बेसन को किससे कनेक्ट करता है ये रनर के साथ कनेक्ट करता है और इसकी एक शेप होती है ठीक है इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल ये तो पहली पॉइंट में मैंने आपको बता दिया मोल्टन मेटल के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है जो फ्लो कहां से आ रहा होता है जो मोल्टन मेटल पोरिंग बेसन से नीचे तक आ रहा होता है इट्स टेपर्ड इन शेप इसकी जो शेप होती है वो टेपर्ड होती है टेपर्ड शेप क्यों होती है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी टेपर्ड शेप क्यों होती है ये बेसिकली आप यहाँ पर इतना ही समझो कि इसकी जो शेप होती है वो टेप होती होती है टेपर्ड होती है इसलिए फिलहाल के लिए टेपर जो फ्लो है इसका वो कंट्रोल में रहता है ठीक है इतना ही समझो आप इसको फिर मैं आपको न्यूमेरिकल में आगे बताऊंगा कि इसकी शेप कैसी होनी चाहिए पर हम कैसी रखते हैं और क्यों रखते हैं ठीक है आप आपसन पोरिंग बेसन, बेसन होता है जहां पे हम मेटल को लेडल की वजह से डालते हैं किसमें इस गेटिंग सिस्टम ठीक है मोल्टन मेटल इज पोअ हियर With the help of this ladder, यहाँ पे ऊपर इसको बोलते हैं लिक्विड मेटल की जो टर्बुलेंस होती है जब हम डालते हैं आप दो मिनट के लिए देखो ना आप इजी एग्जाम्पल देखो आप फॉर एग्जांपल जब ऑयल का टिन लाते हो 15 के वाला वो थोड़ी ना किचन में रखते हो वो आप स्टोर में रखते हो स्टोर में कभी आपको फॉर एग्जाम्पल मदर या फादर बोलेगा प्लीज हेल्प मी आप हेल्प करें मुझे और मैं इस तेल को एक छोटी सी बोतल में ले जाऊं या छोटे से किसी बर्तन में ले जाऊं और किचन में रखूं ठीक है ना तो जब आप उसको डाल डाल रहे रहे होते होते हो हो फनल फनल शेप में फनल में ऐसे ऐसे फिर कई बार क्या होता होता है है आप ऑयल ऑयल को तो रहे होते ऐसे। गिर रहा होते है। लेकिन कई बार क्या होता है ऑयल यहाँ से गिर जाता है नीचे गिरता है ना तो क्या होता है उसमें टर्बुलेंस आ जाती है हवा चली जाती है अंदर हवा चलने की वजह से वो उसमें थोड़ा सा चौक हो जाता है चौक होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा फ्लो है वो अच्छे से नीचे नहीं आता अच्छे से स्मूथली नीचे नहीं जाता और हम क्या करते हैं हमारा वो फनल से तेल बाहर गिर जाता है सेम केस होता है कास्टिंग में भी जब हम मोल्टन मेटल डाल रहे होते हैं वो आहिस्ता 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 गिरना चाहिए तो इसीलिए उसको पहले हम कहाँ पे डालते हैं पोरिंग बेसन में डालते हैं पोरिंग बेसन के बेसन में डालने के बाद उसकी टर्मिनल्स थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है काम डाउन होने के बाद फिर स्प्रू से नीचे होता हुआ रनर से नीचे होता हुआ फिर गेटिंग सिस्टम की तरफ जाता है ठीक है इट्स लाइक बिल्कुल एक ये वॉश बेसन की तरह है वॉश बेसन में अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप देखो वॉश बेसन में आप आज मॉडर्न वाश बेसन वगैरह आए हैं उनका तो आप जो आउटलेट होता है अगर आप उसको बंद करो और पूरा फिलअप कर दो पानी वॉश बेसन में फिर आप उसको खोलना आप देखना वो कितनी ईजी कितना अच्छे से विदाउट मेकिंग एनी नॉइस बहुत स्मूथली चला जाता है आउटलेट्स के बाहर ठीक है तो वो गिरता नहीं है वहां पे तो उसकी शेप ही वैसी बनी होती है और वो काम डाउन करता है, है, तो है कौन सी सेटल डाउन होती है जो हैवी इंप्योरिटीज हो ठीक है उनको सेटल डाउन करते हैं फिर आता है इनगेट इनगेट वो पॉइंट होता है जहां से मेटल अब मोल्ट कैविटी के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देता है देखिए ये रनर से आया ना रनर से आया मान लो यहां ये मोल्ड कैविटी है ये यह यहाँ पे था स्किम बॉब ठीक है इसके ऊपर जाता हुआ ऐसे ये टेपर था ये फनल शेप और फिर यहां पे था ठीक है जब ये रनर से नीचा हुआ ये मोल्टन कैटी एमसी मोल्टन कैविटी एम कैविटी जिसको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जब ये यहां से अंदर जिस पॉइंट पे ये अंदर जाना स्टार्ट करेगा इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन गेट यानी कि अब ये गेट पे पहुंच गया है अंदर अंदर जाने, जाने के लिए तैयार है ये ठीक है द नेक्स्ट वन इज कोर व्हाट इज कोर कोर हमें लगता है जब हमें कुछ हॉलो कास्टिंग करनी पड़ती है मान लो ये हमें करना है कास्ट कास्ट ऐसा 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 कुछ हमें कास्ट करना है ऐसा। अगर अगर हम हम इसको ऐसे ही ऐसा ही पैटर्न इसके अंदर डाल दें तो हमें जो एंड कास्टिंग मिलेगी एंड कास्टिंग हमें हमें इस टाइप की मिलेगी पूरी ऐसे पूरी फिल्ड विद मोल्टन मेटल है ना पूरी फिल होगी वो मोल्टन मेटल के साथ लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दू मानो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे कुछ कोर डाल दिए इसके अंदर ऐसे कुछ मैंने कोर उसको बोलते हैं उस मटेरियल को इसके अंदर मैंने डाल दिया लेकिन जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा उसका मोल्टन मेटल जो होगा वो इसमें नहीं जाएगा बल्कि इसके इर्द गिर्द जाएगा है ना तो हमें एक होलो टाइप कैविटी मिलेगी

हॉलो कैविटी की जरूरत पड़े पड़ेगी वहां पे हम इसको राइटली मतलब अच्छे से प्लेस करते हैं ठीक है ठीक वहां पे इसको प्लेस करना पड़ता है प्लेस करने के बाद हम मोटर मेटल पोअर करते हैं फिर हम कोर को निकाल देते हैं कोर निकालने के बाद अंदर हमारा जो कास्टिंग है वो हॉलो बन जाती है ठीक है तो ये किससे बनी होती है कोर ये हमारी कोर सैंड से बनी होती है और प्लस प्लस हम कुछ लिंसिड्स वगैरह लिंसिड ऑयल इसमें ऐड करते हैं ठीक है ताकि इसका इजी रिमूवल हो ठीक है तो कोर जो होती है वो सैंड की ही बनी होती है ठीक है। ना मुझे, ऐसी चाहिए, ये वाली मुझे चाहिए। लेकिन ये कोर में रखूंगा कैसे कोर रखने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसको देना पड़ता है थोड़ा सा बनाना पड़ता है ऐसे एक्स्ट्रा ये जो एक्स्ट्रा मैंने पार्ट बनाया ताकि कोर मेरी इसमें सेटल डाउन हो जाए ये फिर बाद में तो निकल जाएगी ये पार्ट ये core print इसी को कहा जाता है Basically, seat होती है 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 किसके लिए 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 रखने रखने के के ना ना हवा में तो नहीं ना? तो नहीं लटकेगी ठीक कभी कभी question पूछ लेता बताओ जी कोर पैटर्न हम किस पे देते हैं तो कोर पैटर्न हम हमेशा पैटर्न पे ही देते हैं ठीक है तो कोर प्रिंट्स और ऑन द पैटर्न एज सीटिंग पैटर्न्स हाँ सीटिंग पैटर्न्स इसी पे कोर

कोर कभी कभी कोर ज्यादा बड़ी हो सकती है या हो सकता है उसमें हम कुछ सपोर्ट करने के लिए कोर प्रिंट्स ना दे पाए तो उस पोर्शन में हमें क्या रखने पड़ते हैं उस पोर्शन में हमें चैपलेट्स लगाने पड़ते हैं ठीक है ये रहे ये ये अब देखिए लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें पूरा ऐसा मिलेगा ये पोर्शन तो हॉलो निकलेगा ये जो रेड पोर्शन है ये पोर्शन हमारा हॉलो आएगा लेकिन मिलेगा हमें ये वाला पोर्शन जो मैंने येलो किया आपको ऐसा मिलेगा तो ये रहा ये फंस जाएगा अंदर का अंदर ये चैपलेट है ना ये अंदर ही रह जाएगा तो इसीलिए जो चैपलेट होते हैं हमारे हमारे सेम मटेरियल के बने होते हैं जिस मटेरियल का हमारा जो मोल्टन मेटल हम पुअर कर रहे होते हैं उसी मटेरियल का हम हमें चैपलेट्स भी होते हैं ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए ठीक है तो दे आर यूज टू सपोर्ट एंड अदर प्रोटेक्ट द कोर फ्रॉम वेरियस फोर्स एनकाउंटर्ड इन द कास्टिंग कास्टिंग में जब हम वगैरह थोड़ी सी अगर हो भी जाए कुछ फोर्सेज लग रही होती हैं तो उसको रोकने के लिए भी ताकि कोर अपनी जगह से हिले ना कोर अपनी जगह परफेक्टली रहे जहाँ पे हम उसको प्लेस करना चाहते हैं वहीं पे रहे तो उसको वो हिले हिले इधर उधर ना जाए तो उसके लिए भी हमें क्या होता है हम चैपलेट्स का यूज करते हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हो देखिए ये यहाँ पे देखिए ये यह पे चैपलेट लगाया है इसने तो इधर इधर फिल होगा मटेरियल बीच में ये हॉलो हॉलो होगा ठीक तो दे ये था हमारा चैपलेट चैपलेट मटेरियल ऑफ ऑफ द शुड बी सेम एज कास्टिंग मटेरियल अगर नहीं होगा तो एक डिफेक्ट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन ठीक है इंक्लूजिंग डिफेक्ट हम बाद में देखते हैं यानी कि एक तरह से मानो फॉरन मटीरियल आ गया है। ठीक है क्योंकि ये अगर होगा फॉर एग्जाम्पल कास्ट करें हम एल्यूमिनियम का यहाँ पे कोई अदर मटेरियल होगा तो वो उसमें इजीली मिक्स नहीं होगा इसकी स्ट्रेंथ को वीक कर देगा है ना तो ये सेम मटेरियल को होता है ताकि ये इसी में ही डिसॉल्व हो जाए ठीक है अब लास्ट सेकंड लास्ट में हमारे पास आता है चिल्स ना व्हाट आर चिल्स चिल चिल से आपको क्या याद आ रहा है ठंडा तो ये क्या होता है ये चिल्स मेटेलिक चिप्स या सरफेसिस पे होते हैं या सरफेसिस होते हैं डेटर जनरली सॉलिड विच आर प्लेस इन द कैविटी टू इंक्रीज द कूलिंग रेट इससे हमारी कूलिंग रेट इंक्रीज हो जाती है किसे चिल से चिल लगाने से देखिए ये होता है हमारा इंटरनल चिल्स इसको बोलते हैं अंदर लगाया है, तो, तो इंटरनल तो चिल्स ये बाहर लगाया तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल चिल्स ये बाहर या अंदर लगाए जाते हैं चिल्स ये मेटलिक चिप्स होती हैं एक तरह की जो हम डाल देते हैं अंदर तो इसकी मदद से क्या होता है इसकी मदद से हमारी जो कूलिंग रेट होती है वो थोड़ी फास्ट होने लगती है ठीक है क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि कैसे ग्रेन्स पहले जो सरफेस कूल होती है उसके ग्रेन्स छोटे, छोटे 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 बनते हैं फिर जैसे ही अंदर के पोर्शन में उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो बड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो डेट्स नॉट ए बेसिकली डायरेक्शनल सॉलिफिकेशन तो डायरेक्शनल सोलिफिकेशन की यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन हमें मिलती है इसमें ठीक है स्ट्रेंथ सेम रहती है क्योंकि ग्रेन स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा ठीक है हाई थर्मल कैपेसिटी सॉरी पे गलत हो गया है ये इधर बेसिकली यहां पे होना चाहिए ठीक है नॉट कैविटी हाई थर्मल कंडक्टिविटी रहती है इसमें ठीक है हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी तभी तो कूलिंग रेट हमारी फास्ट हो ठीक है दिस वाज अबाउट चिल्स अच्छा आज आ, हम जो चिल्स के बदले आज हम जो यूज कर रहे हैं ना जो आज हम चिल्स के बदले यूज कर रहे हैं इसको उसको बोलते हैं पैडिंग पी ए डी डी आई एन जी पैडिंग ठीक है ये क्या होता है ये एक एक्स्ट्रा मटेरियल हम लगा देते हैं ऑन पैटर्न सो एजू इससे क्या होगा? इससे सरफेस एरिया, एरिया इंक्रीज होगा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा कूलिंग फास्ट होगी जैसे आपने इंजन में देखा होगा स्कूल बाइक इंजन में ऐसे फिंस बनी होती हैं. ठीक है तो कूलिंग रेट हमारी इंक्रीज हो जाती है वहां पे. तो आपको पता है अगर आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर रेट यानी कि हीट ट्रांसफर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया अरे सिंपल यार आप सुबह-सुबह कहीं जा रहे हैं आपने आपको मम्मा कप में चाय देती है ठीक है लेकिन आपको जल्दी चाय गर्म है आप क्या करते हो आप उसको प्लेट में ट्रांसफर कर देते हो प्लेट में ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा सरफेस एरिया हमारा वहां पे बढ़ जाएगा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उस चाय के बहुत सारे जो आ, दिस एक तरह से मानो मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो जल्दी से ठंडे होने स्टार्ट होंगे ठीक है डेट्स वाई हम उसको प्लेट में ट्रांसफर करते हैं सेम यहाँ पे ये केसिंग भी है पैडिंग एक एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है किसपे सरफेस

लास्ट वन फॉर इज वेंट्स आपने इस डायग्राम को अच्छे से देखा लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये सुराख में छोटे 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 यहां पे क्या दिए हुए देखिए जब मोल्टन मेटल हमने पुअर इन किया मोल्टन मेटल वो गर्म होगा गर्म होने की वजह से क्या होगा गैसेस होंगे उसके अंदर है ना लेकिन वो गैसेस अंदर ही नहीं रहने चाहिए Be, they should, they should, वो बाहर जाने चाहिए है ना ताकि वो कोई डिफेक्ट ना बनाए बनाए वहां पे डिफेक्ट नहीं होना चाहिए आप अपनी एग्जाम्पल लो आपके अंदर फॉर एग्जाम्पल कभी गैस हो जाता है किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं किसी को तो क्या वो बंदा कंफर्टेबल होता है कंफर्टेबल कभी नहीं होगा वो तो इसलिए गैसेस हमारी इस कैविटी में भी नहीं रहने चाहिए जो हमें पैटर्न आ, से जो हमारे मोल्ड कैविटी मिली मोल्ड कैविटी के अंदर फिर जब हमने मोल्टेन मेटल को पुअर किया उसके अंदर भी गैसेस नहीं रहने चाहिए तो हम क्या करते हैं हम छोटे -छोटे, छोटे छोटे सुराख बना देते हैं सेम वे जैसे हम एग को फ्राई करते हैं हम एग को फ्राई जब करते हैं या हम अगर अब फॉर एग्जाम्पल एक कश्मीरी डिश है दम आलू है ना जब हम उसको फ्राई करने करते हैं एग को या दमालू को तो हम क्या करते हैं हम एक पिन लेते हैं पिन की वजह से उनके अंदर सुराख कर देते हैं सुराख क्यों करते हैं अंदर इसमें कोई गैस नहीं होता लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा मसाला जो हमने तैयार किया हुआ है वो इसके अंदर एंटर हो इसी तरह से यहाँ पे जो गैसेस एंट्रैप हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए हमें एक रास्ता चाहिए तो हम छोटे छोटे विदाउट डैमेजिंग द सैंड विदाउट डैमेजिंग द गेटिंग सिस्टम हम पतले से पिन की मदद से उसको उसको क्या बोलते है? उसको बोलते हैं हैं वेंट वे, वायर देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है इसकी इसकी वजह से हम क्या करते हैं ये तो बहुत मोटी इन्होंने बनाई है यहाँ पे लेकिन ये बहुत पतली होती है टेपर टेपर होती है और पतली होती है टेपर क्यों होती है ताकि मूव भी हो जाए बाहर आहिस्ता आहिस्ता निकल भी जाए तो ये क्या होता है इसकी वजह से क्या होते हैं जो एस्केप गैसेस होते हैं वो हम बाहर निकालते हैं दीज आर स्मॉल पैसेज मेड इन टू द मोल्ड विच अलाउ टू एस्केप द गैसेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होगी तो गैसेज बाहर निकलना स्टार्ट होंगे वैन ट्रैप ना हो उसकी वजह से हम क्या करते हैं मोल्ड कैविटी तक हम लेके जाते हैं किसको वेंट वायर को और वहाँ पे हम सुराग करते हैं ताकि गैसेज ईजिली बाहर पास हो जाए दिस ऑज ऑल फॉर टुडे कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेज हम चार टाइप के अलाउंसेज देखेंगे ठीक है चार टाइप के अलाउंसेज पढ़ेंगे उनको डिटेल में पढ़ेंगे चार टाइप के अलाउंसेज हमारे जो होंगे वो होंगे कौन कौन से आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एक होगा शिंकेज अलाउंसेज ठीक और होगा हमारे पास ड्राफ्ट अलाउंसेज होगा ठीक है डिस्ट्रॉशन अलाउंसेज होंगे रैपिंग या शेकिंग अलाउंसेज होंगे ठीक है इनको हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में और कुछ न्यूमेरिकल्स भी अगर हुए तो उनको भी सॉल्व करेंगे टिल देन गुड बाई एंड हैव है नाइस डे डेड होप यू लाइक दिस वीडियो यू लाइक दिस लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ठीक है या आप कमेंट्स में भी कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं ठीक है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Bye-bye. Have a nice day ahead.